तो रात के बज गए हैं लगभग 10:30। पैक सैक करते करते बहुत टाइम हो गया और इस बार की जो राइड होने वाली है वो लगभग है 6,000 से ऊपर किलोमीटर की, यानी पुणे से या तो सिक्किम या अरुणाचल वाया अयोध्या। तो मज़ेदार बनने वाला है, तो फॉलो नहीं किया है तो यूट्यूब पे कर दो फॉलो घूमने वाला जियो। तो अभी फाइनली स्टार्ट हो गई है अपनी राइड और निकलेंगे यार। 5-6 महीना हो गया था, बीच में शोल्डर इंजरी हुई, तब से कहीं जा नहीं पाए, तो तरस सा गया था मैं। लेकिन फिलहाल अभी निकल रहे हैं, अरुणाचल जाना है या फिर सिक्किम जाना है कंफर्म नहीं है, लेकिन पुणे से अयोध्या जाएंगे, इसके बाद डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। तो देखते हैं, आप बने रहो जानने के लिए, और इंस्टाग्राम फॉलो करते हो तो आपको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और क्या बता रहे हो फिर आज? तो आज जो है किंग हमारे लिए बना रहे हैं ओट्स। ओट्स खाएंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। तो अभी आ गए हैं पार्किंग लॉट में, और बहुत सारी वीडियो आपने ये पार्किंग देखा होगा यहाँ पे। तो फाइनली बिल्डो रानी अपनी आ गई है, सीट वगैरह लगा दिया है। ये अपनी एक बाइक यहाँ खड़ी है, एक बाइक अपनी ये खड़ी है, एक बाइक अपनी वो खड़ी है, आज जाएंगे। लेकिन फाइनल राइड पहली बार इस बाइक से जो है आपको देखने को मिलेगा किसी भी ब्लॉग में। तो श्री गणेश इस बाइक का ब्लॉग से हो रहा है, बड़ी राइड से। फटाफट लगाते हैं सारा सामान, ये देखो आ गया है यहाँ पे, लगाते हैं फटाफट और निकलते हैं फिर जूम। और ये सुबह सुबह सूरज निकल रहे हैं, ऐसा कुछ है अपना माहौल सेट। और ये गाड़ी बाहर आ गई, बस अपनी बाइक रेडी और मैं भी रेडी और मौसम भी रेडी, सब कोई रेडी है। तो फिर देरी कोई बात नहीं, फटाफट अब गोप्रो सेट करते हैं बाइक पे और घुमाता हूँ आपको फिर। और ये अभी पुणे से लगभग 22 किलोमीटर बाहर आ चुके हैं। ये सामने जो नगर रोड है, ये सामने निकल जाएंगे अहमदनगर, नागपुर और फिर जबलपुर होते हुए सिवनी, प्रयागराज, अयोध्या। इधर से जाएंगे तो नासिक, इंदौर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या। तो फिलहाल जो है आगे से ही प्लान है हमारा टर्न होने का, और उधर से ही टर्न होंगे और निकल जाएंगे फिर सीधे अयोध्या के लिए। तो अपना जो अभी आज का रूट प्लान है वो है नासिक होते हुए, कुछ ऐसा है प्लान अपना। मुक्ताई माता मंदिर, जय माता, आशीर्वाद दीजिए। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तो 97-98 किलोमीटर की राइड हो गई है और गोप्रो की बैटरी भी लो हो रही है, तो थोड़ा यहाँ पे ब्रेक लेंगे, थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह करेंगे और फिर निकलेंगे। और ये वादियाँ खतरनाक, सुपर। तो अभी नासिक हाईवे पे पहुंच गए हैं, यहाँ से नासिक कुछ बचता है 120 किलोमीटर। तो वैसे छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करता हूँ मैं, कोई भी जर्नी मेरी होती है वैसे चंक्स में डिवाइड होती है, जितने दिन में जाना रहता है, जितना क्या करना रहता है। नासिक के बाद का अगर चंक्स धूले रहेगा, बट अभी फ़िलहाल तो नासिक वाले हाईवे पर आ गए हैं। और पीछे का व्यू देख लो आप, दिख रहा है पूरी पहाड़ियाँ। ये नासिक
जैसे ही आप पहुंचने वाले होते हो ना 50-60-100 किलोमीटर पहले से ही मान के चलो ऐसे छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखने शुरू हो जाती हैं जो इस पूरे जर्नी को एक अद्भुत रूप देती हैं। ये जो रास्ते का जो मंजर दिखता है ना ये अनोखा है। इधर क्या है, चल के देखें क्या इधर क्या है। चलो थोड़ा देख के आते हैं इधर क्या है। वैसे तो ठीक है, थोड़ा देख के आते हैं क्या इधर। ओहो हो, ये देखो भाई ये नदी है। बारिश में ना ये देखो और ये ब्रेकर भाई महाराष्ट्र के हाईवे में ना ये तो बहुत कॉमन है। ये बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं, ये भी पैदा हुए वाले ब्रेकर हैं। वो ब्रेकर नहीं ब्रोकर होते हैं, अगर हल्का सा भी आप चुके तो हड्डियाँ तोड़ रहे हैं आपकी, ऐसे ब्रेकर हैं यहाँ पे। एनीवेज मैं ये कह रहा था कि ट्रेन से यहाँ आने में लगभग 6 घंटे लग जाते हैं नासिक, और मैं आ गया हूँ 4-4.25 घंटे में। तो क्या लगता है सुपरफास्ट एक्सप्रेस नाम रखने अपना? शायद से मैं गलत आ गया हूँ क्या? गूगल मैप भी ना कई बार दोस्त बनता है, कई बार दुश्मन। एक ही चेहरे पे दो चेहरा छुपा के रहता है गूगल मैप। ओ चचा ओहो हो, नासिक के लिए ये रास्ता आता है ना, इंदौर के लिए। इंदौर, हाँ इंदौर, हाँ यहाँ से भी आपको शॉर्टकट जाएगा दचक पचक से। अच्छा जाइए क्या सीधा जाइए, वहाँ पे द्वारका आएगा। हाँ ब्रिज आएगा। हाँ इधर किसी को भी पूछिए राइट को जाना। अच्छा अच्छा, और ये रास्ता सीधा ये रास्ता ना। थैंक यू। अच्छा अभी तो रेड है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो ये गूगल मैप जो है हमेशा सही नहीं होता, आप लोकल से भी पूछिए, उनसे बेटर कोई नहीं जानता सिटी के बारे में। नासिक शहर के बारे में आपको एक इसका मैं एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण यानी कि स्पिरिचुअल एंगल आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ही माता सीता रही थी, पंचवटी यहीं पे है और यहीं पे माता सीता का हरण हुआ था। इसी स्थान पे माता सीता का हरण हुआ था, साथ में सीता गुफा है यहाँ पे। मेरा एक ब्लॉग नासिक के ऊपर है, वो या तो मैंने डाल चुका होंगे या डालूंगा, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, बट मेरे पास नासिक का है तो बताऊंगा जैसा होगा आपको। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक वगैरह वैसा। और नॉट ओके प्लीज़, वाह देख रहे हो भाई का एटीट्यूड। और नॉट ओके प्लीज़, सही है। लंच यहीं करेंगे आज, फिर आगे का देखते हैं। तो अभी एक अपने होटल में रुके हैं जहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है दाल राइस और एक मटन, यानी प्लेन खाना है क्योंकि अभी चलाना है, कम से कम 6-7 घंटे की राइडिंग करनी है अभी। तो अभी का तो फिलहाल प्लान इतना ही है कि हल्का ही खाएं, हल्का ही खाने का प्लान है अभी फिलहाल। तो बस फटाफट खाना खाएँगे और निकलेंगे यहाँ से। अभी लंच तो अपना हो गया है भाई, और अभी जो है हमें यहाँ से निकलना है पेट्रोल की तलाश में। यहाँ से पेट्रोल की तलाश में निकलना है,
यार बाइक लोड रहती है ना, यही जाम झमेला होता है लोड बाइक का। श्री गणेश है ना, ये देखो आप, बस यही सारे लोकेशन हैं बाइक राइड के। बाइक राइड आप करते हैं तो आपको ये फ्री मिलते हैं, ये फ्री आते हैं बाइक राइड के साथ, समझ रहे हो आप भाई साहब। जो मज़ा आ रहा ना चलाने में यहाँ पे गाड़ी, पहुंच गया मैं आके भाई साहब। बस दिन ढल रहा है, सूरज देवता यहाँ आ चुके हैं, अभी नीचे आ जाएंगे, डूब जाएंगे और इन ये छुप जाएं, इसके पहले मुझे छुपने का कोई जगह खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ छुपूं और बिल्लू रानी को अपने कहाँ छुपाऊं। बिल्लू रानी ने बड़ा साथ आज चली है अच्छी मेरे साथ, पर जैसा बुक बाइट्स कवा वही है। देखो क्या हाल थी, ये 90 प्लस जा रही थी, मतलब मुझे लगा कि ये ऐसा ना हो तेज चलने पे पूरा खुल के पुर्जा गिर जाए इसका, लेकिन ये स्टेट बस में दम तो रहता है भाई, 90 आराम से जा रही है, आराम से। इसने मुझे ओवरटेक किया जब मैं 90 पे था। ये देखो, ये वो देखो कैसे सूरज देवता डूब रहे हैं, देखा। भाई यहाँ मिस कर रहा हूँ, मेरे पास ड्रोन होना चाहिए था, मजा आता यहाँ पे ड्रोन वाले में। दादा रुकने का भी है यहाँ पे? हाँ अच्छा, स्टे कहाँ मिल जाएगा? ये पास के रास्ता जा रहा है, ये रास्ता अंदर जा रहा है। हाँ हाँ चले जाइए। हाँ अच्छा, और आगे नहीं मिलेगा? आगे भी है ना सर। कितना दूर का? आगे फिर आपको ये रोड को दूर पड़ेगा थोड़ा। हाँ आगे भी है। अच्छा मतलब कितना कितना दूर होगा लगभग? कुछ 25 किलोमीटर होगा ना यहाँ से ये रास्ता जा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, रास्ते पे होटल ही होटल है। अच्छा इधर ही गया अंदर। अच्छा ये इधर ही से क्या? हमारे होटल से चिपक के रोड जा रहा है। अच्छा जी, चलिए थैंक यू सर। चलो ये है आज का जहाँ मैं रुकने वाला हूँ। टीवी वगैरह नहीं है, हमेशा की तरह जरूरत भी नहीं मुझे, और सैडल का इधर पड़ा है। अभी थोड़ी देर बाद इसकी हल लग गई, जैसे यहाँ पे युद्ध हुआ हूँ। कुल मिला के ये अभी मुझे रूम मिल गया है यहाँ पे, बहुत खोजने के बाद मैंने लिया है। मैं स्टे कर रहा हूँ सेंधवा, ये MP और महाराष्ट्र का बॉर्डर है, तो MP में पहुँच नहीं पाया, 4 किलोमीटर दूर यहाँ से MP है, बट ठीक है। इसके बाद फिर मुझे इंदौर जाना पड़ता और नाइट में ड्राइव करने का मेरा कोई इरादा है नहीं, तो बस अभी थोड़ा स्नान ध्यान करके नहा नहू के कुछ खाना पीना खा के फिर आपसे मिलेंगे। हाँ जी, तो नहा धो के अपन हो गए फ्रेश, अब जाएंगे बाहर फूड हंट पे, करेंगे खाने की तलाश। आज जहाँ मैं बैठा हूँ बहुत छोटा सा ढाबा टाइप का है, यहीं पे आज अपना खाना पीना होगा, फिर देखते हैं। तो अपना डिनर वगैरह हो गया है और अभी ये पीछे मेरा होटल, तो थोड़ा टहलेंगे घूमेंगे और फिर अभी सोएंगे। कल का टारगेट है उस जगह पे पहुंचने का,
जो आपको दिखाने का मेरा प्लान था, जो दिखाने का प्लान था कि वहाँ जाके आपको दिखाएंगे, है अच्छी जगह है, नेक्स्ट पार्ट में आएगा वो अगर वहाँ पहुँच गया तो, क्योंकि यहाँ से दूर है, डिस्टेंस लगभग 650 किलोमीटर है यहाँ से, ट्राई करेंगे पहुँचने का। चलो फिर कल मिलते हैं नए दिन में, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें, शुभ रात्रि, बाय।